Welcome, my dear students. I welcome you all in today's beautiful video. आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो में हम वेलकम कहते हैं। एक शायद क्या खूब लिखते हैं। आपको सर का ये अंदाज बड़ा पसंद आता है। सर पहले आपको एनर्जाइज करते हैं, जब आपके अंदर एक पढ़ने का जज्बा आता है फिर आपको हर बात कमाल के तरीके से आपको समझ में आती है। तो एक शायर ने क्या कहा है सुन लीजिए। लिखते हैं, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। इधर जाइए उधर जाइए, हर जगह आप आदमी ही आदमी देखिए, इंसान ही इंसान देखिए, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, हर तरफ भागते दौड़ते आदमी, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको जो शायरी सुना रहा हूं वो शायरी पर तवज्जो दीजिए, मॉरल वैल्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। तो आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं इस उम्मीद से कि आपके अंदर जज्बा आया होगा हर बात समझने का, और आप समझते जाइए। मैंने आपको पढ़ाया था टेंसेस। टेंसेस में हमने पहले देखा कि ऑरिजिन क्या था, ये आए क्यों है ग्रामर में, होते क्या है और करते क्या। फिर हमने आगे आपको बताया था कि टेंसेस में नंबर वन आता है प्रेजेंट टेंस, और इस पर डिटेल से हमने आपको दो तीन लेक्चर भी पढ़ा दिया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टेंस में 48 हमारे पास सिंटेक्सेस होते हैं, उन सिंटेक्सेस में एक सिंटेक्स को मैंने निकाला है जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कोई मेरे स्टूडेंट से पूछेगा सर बताइए प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, हम बताएंगे दोस्त, मेरे स्टूडेंट आपको यूं बताएंगे है ना माल, अब बोलेंगे टेंस वो सिंटेक्स होता है जो दो चीजें बताएगा, एक टाइम ऑफ एक्शन दूसरा स्टेट ऑफ एक्शन। प्रेजेंट सिंपल को इसलिए प्रेजेंट कहते हैं क्योंकि इसमें टाइम ऑफ एक्शन है ओनली प्रेजेंट, सिंपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ एक्शन ओनली सिंपल है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां तक समझ में आया है सर? आपने जो बोर्ड पे लिखा है नंबर वन आपने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो सिंटेक्स है लिखने का तरीका है ये प्रेजेंट सिंपल का बेस सिंटेक्स है, इसे हम रूट सिंटेक्स भी कहते हैं। सर क्या मतलब है? ये वर्ब की पहली फॉर्म पांचवी फॉर्म होती क्या है? मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, मैंने कहा दोस्तों देखो अगर मैं एक सिंपल सा आपके एक एग्जांपल लेता हूं, एक है राइज, दूसरी है रोज, तीसरी है राइजिंग, चौथी है राइजिंग एंड द लास्ट इज राइजेस। ये वर्ब है राइज, तुलू होना, निकलना, जैसे सूरज जैसे सूरज जो है वो तुलु होता है, वो राइज होता है फ्रॉम द ईस्ट, तो हम कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है राइज, सेकंड फॉर्म कौन सी है रोज, और राइजिंग क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और राइजिंग क्या है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और राइज क्या है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब आराम से सुनिएगा आप, मैंने कहा जब आपको प्रेजेंट सिंपल बनाना है तो इन चार से पांच अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर्म्स में, अलग अलग जो ये वर्ब फॉर्म्स है इनमें आपने ये चूज करनी है और ये चूज करनी है, यानी कि जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब देखिए सब्जेक्ट की क्या आया, देखो जरा सब्जेक्ट आया सन, और वो भी कौन सी फॉर्म लगी फिफ्थ फॉर्म लगी, और ये बात ऑब्जेक्ट पर आ गया, तो बोलो ये टेंस कौन सा टेंस है? सर ये टेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्लियर हुआ? अच्छा सर ये तो बताया आपने ये सिंटेक्स जो है वी कॉल दिस इज अ बेस सिंटेक्स। मैंने आपको बताया था हमारे पास सेंटेंसेस चार से पांच तरह के, कौन कौन सा है? Assertive sentence होता है, दूसरा interrogative होता है, तीसरा exclamatory होता है, चौथा imperative होता है, और पांचवा optative होता है।
और सेंटेंस के केस में हम सिर्फ दो सेंटेंस के टाइप को लेते हैं, एक assertive को, दूसरा interrogative को। आइए पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद ये समझते हैं। सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास, मैंने कहा हमारे पास सेंटेंस जो होते हैं इनके जो टाइप्स होते हैं, नंबर वन को हम बोलते हैं assertive सेंटेंस, नंबर टू को बोलते हैं हम interrogative सेंटेंस, नंबर थ्री को हम बोलते हैं exclamatory सेंटेंस, नंबर फोर को बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। सर साइड तो हो जाइए, हम क्या लिखेंगे, आप खुद ही खुद को लिखवा रहे हैं क्या? नहीं मेरे प्यारे डोरेमोन, शिज़ुका, नोबिता, हम ऐसे पढ़ाते हैं, असर्टिव सेंटेंस हमारे पास सेंटेंस का एक टाइप है, दूसरा कौन सा है बच्चों? इंटरोगेटिव, तीसरा कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी, चौथा इंपेरेटिव, लास्ट को बोलते हैं ऑप्टेटिव। हमारा जो टेंसेस में सिंटेक्स डिफाइन करना है वो ये है कि सर सेंटेंस टेंसेस में हमें सिर्फ इन दो की जरूरत पड़ती है, टेंसेस के सिंटेक्स को डिफाइन करने हम इन दो की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सा? एक असर्टिव चाहिए और दूसरा इंटरोगेटिव। सर इनको तो एक्सप्लेन कीजिए ना, हम करते हैं। तो असर्टिव का मतलब होता है इसमें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, बोलो क्या? इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है और इसमें इंफॉर्मेशन को सीख किया जाता है, हासिल किया जाता है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस हम उसे कहेंगे जहां पर आप इंफॉर्मेशन देते हैं, जहां पर आप नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। लेकिन इंटरोगेटिव वो होता है जिसमें आप जानकारी हासिल करते हैं, क्या करते हैं बोलो? जानकारी हासिल करते हैं। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा मेरा नाम है मिस्टर एबीसी, तो मुझे कैसे मालूम हुआ? मैंने सवाल पूछा, जवाब मिला। ये जो अंदाजे बयां होता है, ये जो कम्युनिकेशन का वे है जिसमें आप सवाल पूछते हैं इसलिए कि जवाब मिल जाए, इट इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। और वो सेंटेंस जिसमें आप सवाल नहीं पूछते, आप जवाब देते हैं, उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। समझ में आ रहा ना, मजा आ रहा ना, तो जोर से बोलो, समझ में आया? यस सर। इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ठीक है, अब देखिए हमने जो आपको अभी पढ़ाया है, मैंने कहा इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने एक दिन बताया था, मैंने कहा एक सेंटेंस लिखो, जब कोई बात बन जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ इंग्लिशा। इसका मतलब होता है कि इंटरोगेटिव, ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है, इसमें दो बातें आती है, क्योंकि आप जवाब तो दे रहे हैं, अब जवाब देने के दो तरीके हैं, एक तो पॉजिटिव, एक निगेटिव। मैंने पूछा आपसे, आपको पिज्जा पसंद है? आपने कहा मुझे पिज्जा पसंद है, आई लाइक पिज्जा। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन पॉजिटिव है, इसमें ना नहीं है, आई लाइक पिज्जा इज असर्टिव सेंटेंस। लेकिन असर्टिव में कौन सा? जब कोई बात बन जाए, बोलो जब आपकी बात बन जाए तो दिमाग पर क्या आएगा? प्लस, खुशी मुंह पे आएगी, चेहरा खिल उठेगा, अरे करियर बन जाएगा आपका, सच्चे पासे सोचो, करियर बनेगा, उसके बाद जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद शादी हो जाएगी, आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। तो बोलो ये जो है, ये असर्टिव में इसे हम कहते हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब वो सेंटेंस जिसके अंदर पॉजिटिविटी है, समझ में आ रहा? मैंने तभी कहा जब कोई बात बन जाए मीन्स प्लस, गॉड फॉरबिड जब कोई बात बिगड़ जाए मीन्स माइनस। जिस सेंटेंस में आपके पास पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस को कलेक्टिवली हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव में क्या आएगा बोलो? पॉजिटिव सेंटेंस भी आएगा और निगेटिव सेंटेंस भी आएगा, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? असर्टिव बोलेंगे इनको। और पॉजिटिव वाले को हम एक नाम देते हैं पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव। पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। सही है, पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव, और निगेटिव असर्टिव सेंटेंस को सिंपली हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस।
नोट दिस पॉइंट, इसका मतलब हमारे पास assertive sentence जो positive होता है, we call that as affirmative, और negative sentence जो होता है, उसे simply negative कहते हैं। अब जरा आप ध्यान दे दीजिए जो सर ने आपको पढ़ाया था, यहां तक आपको सारा क्लियर हो गया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके सामने क्या रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, है ना बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और मैंने आपसे कहा ये जो सिंटेक्स मैंने लिखा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस फॉर्म ऑफ इट्स कॉल्ड बेस या रूट सिंटेक्स, और साथ ही मैंने लिखा है इट इज पॉजिटिव सेंटेंस कॉल्ड अफर्मेटिव। क्या बोलते इसको, अफर्मेटिव, यानी कि जो ये सिंटेक्स होगा, याद रखिए ग्रामर की बुक्स में आपको ये सिंटेक्स मिलता है, ये सिंटेक्स प्रेजेंट सिंपल का जनरल सिंटेक्स है, और भी सिंटेक्स होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को मालूम होना चाहिए ये जो पहला सिंटेक्स है ये ओनली पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है, इस वाले में आपके पास पॉजिटिव मीनिंग होगी। एग्जांपल सब दीजिए इसका, एग्जांपल आई लाइक पिज्जा। आप बोलो देखो सब्जेक्ट है ना, आई सब्जेक्ट और लाइक के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आया ना, तो ये क्या बना आपका, ये बना आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन बताओ इसमें जो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, वो प्रोवाइड की जाती है, और इंफॉर्मेशन भी कौन सी है, पॉजिटिव है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सेंटेंस, इसका नाम पड़ेगा अफर्मेटिव। बोलो समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो हम समझ गए जो पहला सिंटेक्स होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अब दूसरे सिंटेक्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं दूसरे की। अब दूसरा सिंटेक्स को मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव सिंटेक्स। क्या लिखा है, गो नेगेटिव सेंटेंस। सर इसकी एग्जांपल दे दीजिए, आई डू नॉट लाइक पिज्जा। अब देखिए एक होता है मुझे पिज्जा पसंद है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब असर्टिव, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव। एक होता है मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, नहीं है का मतलब क्या है, ना, ना का मतलब क्या है, नेगेटिव, इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो असर्टिव, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव असर्टिव और सिंपली नेगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए आपने नोट करना है जो पहला वाला सिंटेक्स है और दूसरा सिंटेक्स है, इन दोनों सिंटेक्स में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है, देखो जब पहला वाला सिंटेक्स है उसमें वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म लगी है। जरा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिमाग के अंदर भी बात मेरी जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाए। दिख रहा है ना, हाँ ये देखो, ध्यान से सुनो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला वाला सिंटेक्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सिंटेक्स। लेकिन दूसरा बनाने के लिए देखिए यहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं है बल्कि ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब यह है कि जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव जाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लाना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को नहीं लाना है। मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या मसला है। सुनिए मैं यहां पे लिख लेता हूं मेरे बच्चों, जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल फॉर्म। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। तो जब आप पॉजिटिव सेंटेंस से निगेटिव में जाएंगे, मेरी एक बात याद रखना है, नोट करना है हमारी बात को कि सर जी जब आप पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे आपने सिंगुलर फॉर्म को नहीं लिखना है बल्कि प्लूरल फॉर्म ही रहेगी, सही है। और दो यहां पर चीजें ऐड होंगी जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू और डस। ठीक है यहां तक। अब यहां पे मैं एक नोट लिख रहा हूं, ये आपका मेमोरी टेबल होगा, मेमोरी टेबल होगा, ये मेमोरी टेबल याद करने के लिए। मैं चाहता हूं आप ग्रामर पहली और आखिरी बार पढ़ें, इसके बाद जरूरत ही नहीं की योर लाइफ में आपको। क्यों, हम चाहेंगे आपको ऐसी ग्रामर पढ़ाई जाए, आप कहेंगे सर पहली बार जिंदगी में इतनी डिटेल से ग्रामर पढ़ी है और सबसे आसान तरीके में। देख लो मेरे दोस्तों, आपको प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट सिंटेक्स से जाना है किसमें, सेकंड सिंटेक्स में, तो क्या करेंगे, डू और डज को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और वी फर्स्ट फॉर्म को ऐड करेंगे और वी फाइव फॉर्म को डिलीट कर देंगे। यही है ना, ध्यान से देखिए,
देखिए जरा ध्यान से, देखो हमने क्या किया उधर, देखिए फर्स्ट पॉजिटिव से निगेटिव गए, क्या फर्क है, एक तो V5 फॉर्म डिलीट हुई, V1 यहां पर है, बाकी देखो डूडल आया और एक वर्ड है जो हमने इसमें नॉट ऐड करना है, क्या करना है नॉट, कितनी चीजें हमने चेंज करी है, फर्स्ट से सेकंड गए, डूडल को लाना पड़ा, V5 फॉर्म को ऐड करना पड़ा, V5 फॉर्म को डिलीट करा और नॉट, नॉट को बोलते हैं इंग्लिश में हम वर्ड ऑफ निगेशन, क्या बोलते हैं इसको, वर्ड ऑफ निगेशन, लिख लीजिए वर्ड ऑफ निगेशन, अंडरस्टूड, वेरी गुड। एक शायर ने क्या खूब लिखा है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर। एक शायर ने बहुत खूब लिखा है, जिंदगी का सफर, जिंदगी का मुकद्दर, जिंदगी के नसीब में सफर दर सफर, जर्नी से लेकर जर्नी, मुश्किल से लेकर मुश्किल तक ये जिंदगी जो है वो स्ट्रगल है दोस्तों। आज आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉब मिली उसके बाद फिर प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी, स्ट्रगल, तो कभी मायूस मत होना, ईमानदारी से आपने मेहनत करनी है, ऑनेस्टी के साथ करनी है, हमारी दुआएं आप सबके साथ है, बस आप मेहनत करिए, दुआ हमारी साथ होगी और आप देखिए आप जरूर शाइन करेंगे। शायर ने लिखा है, क्या लिखा, शायर कहता है इंसान के मुकद्दर में सफर दर, जिंदगी के मुकद्दर में सफर फिर सफर, सफर दर सफर, और इंसान के मुकद्दर में जब सफर दर सफर है, कहते हैं आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस तक इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है, बेकरार रहता है। आज एक मैं एग्जाम में क्वालिफाई हुआ तो चाहता कि दूसरे में हो जाऊंगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा ईमानदारी और दिल लगे के साथ काम करना है, यकीन जानिए आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए सुकून आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, मैं आपको आगे क्या सिखाता हूं सुनिए, हमने क्या लिखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास जो सिंटेक्स आया है वो क्या आया बोलो, पॉजिटिव सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ना, और नेगेटिव कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू लाया, फिर डज लाया, फिर नॉट लाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये यही लाया ना बच्चों, बोलो शाबाश। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये फर्स्ट से सेकंड में हम जब हमने मूव करा तो हमने बताया क्या क्या चीजें ऐड हुई है। अब यहां देखिए एक और बात, आप एक होता है डू, दूसरा होता है डज। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डज जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, कहने का मतलब डू जो है प्लूलर है और डज जो है वो सिंगुलर है। और आपको मैंने एक और बात बताई है, अंग्रेज का बच्चा बोलता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या बोलता है बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है, कहता है सब्जेक्ट कहता है वर्ब से, जब मैं इंग्लिश में आऊंगा तो जो मेरी शक्ल होगी वो तेरी शक्ल होगी, प्यार तो यही है, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद है और जो मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद है, यही तो प्यार है। आगे सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, और मैं कह रहा हूं आपको दोस्तों सुनो, इसमें होता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इंग्लिश में हमारे पास जो है वो है आई वी यू और दे, ये सभी प्लूरल माने जाते हैं, तो इनके साथ बोलो ये हमारे पास सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, ये डू है, तो इसका मतलब है इनके साथ क्या आएगा, डू आएगा, और ही शी और इट के साथ क्या आएगा, वो आएगा डज। ये आपने रूल याद रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ये यानी कि, और ये जो आई है अंग्रेज का बच्चा इसको लिखता है एक्सेप्शनली प्लूरल,
अंग्रेज लिखता है किसको, आई को लिखता है एक्सेप्शनली प्लूरल। इसका मतलब होता है आई जो है आई वो प्रेजेंट में प्लूरल लिया जाता है, किसमें, प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल है और आई जो है वो पास्ट में सिंगुलर माना जाता है, याद रहेगा मेरे दोस्तों। वेरी गुड, ठीक है बच्चों पढ़ते जाओ। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट दो सिंटेक्सेस को हमने एक्सप्लेन बहुत बढ़िया तरीके से किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, राइट। ये फिफ्थ है, तुम बोलोगे ये क्या सर ने लिखा है, ये फाइव फिफ्थ फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड, मगर सेकंड में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तो था, ये जो दो सिंटेक्सेस है ना दोस्तों, ये दो सिंटेक्सेस है किसके, assertive sentences, किसके, assertive sentences। और assertive में ये positive sentence आएगा और ये negative sentence आएगा। यहां तक सबको समझ में आया है, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके और दो सिंटेक्सेस। आगे कहते हैं कि सर प्रेजेंट सिंपल टेंस के और दो सिंटेक्सेस कौन से होते हैं। नंबर वन कौन था, पॉजिटिव। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, ये पॉजिटिव है। निगेटिव बोलो, इसके बाद जो होता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए कमाल की बात बनेगी, जहां आप नरेशन वॉइस पढ़ेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुनिएगा क्या है। ये जरा आप देख लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और फोर्थ। फोर्थ होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है जिसमें हम जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, एक होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने सुना होगा अपनी मामा से, अपनी माजी से, अम्मी जान कहा करती है, क्या मैं आपसे प्यार करती हूं, एक सवाल है। एक होता है क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती हूं मेरे बेटे, मेरी बेटी। अब दोनों सवाल है लेकिन सवाल में फर्क है। एक होता है क्या मैं आपसे प्यार करती हूं, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकिन पॉजिटिव मीनिंग के साथ, इसमें नेगेटिव वर्ड है ही नहीं। एक होता है क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती हूं, ये भी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है लेकिन साथ में नॉट आया तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है। क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना नहीं खाया, दोनों में फर्क है। एक में क्या आपने खाना खाया सवाल है, पॉजिटिव है। दूसरा है क्या आपने खाना नहीं खाया, सवाल है लेकिन निगेटिव है। तो मैं वही कह रहा हूं, जब हमने इस निगेटिव सेंटेंस से जाना किसमें है, बोलो निगेटिव इंटरोगेटिव में, किसमें, नेगेटिव इंटरोगेटिव में, तो क्या करना पड़ता है, मैं आपको समझा रहा हूं। वन सिंटेक्स से जब हम किसमें जाएंगे, फोर्थ में, किसमें, फोर्थ में, वन टू फोर जाएंगे, तो बस एक चीज करना है आपने, सुनो क्या करना है आपने, ये जो डूडज यहां रखा है ना हमने, ये जो डूडज रखा है ना इधर दूसरी पोजिशन पे, इसको लाएंगे फर्स्ट पोजिशन पे, देखो ऐसे, बाकी सेम वही चिपकाएंगे और लास्ट में हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क। ये देखो, देखिए जरा ध्यान से क्या बदला हमने, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस था उस नेगेटिव से नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या किया, जस्ट हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, इसकी पोजीशन को चेंज किया। देखो यहां डूडस था यहां पर और फिर ने यहां लाया। मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए, मैं एक जनरल एक रूल बताता हूं, वो ये है कि जब सब्जेक्ट के बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या आता है बोलो, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये बनता है आपका एसर्टिव सेंटेंस। क्या बनता है बोलो, एसर्टिव सेंटेंस। ये देखो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है तो क्या बना, एसर्टिव सेंटेंस, लेकिन जब यही ऑक्सिलरी वर्ब पहले आया, ऑक्सिलरी वर्ब क्या आया बोलो, पहले आया सब्जेक्ट के, तो ये बनता आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे नरेशन और वॉइसेस में भी काम आएगा।
समझ में आया? तो फर्स्ट से फोर्थ जाने के लिए हमने जस्ट एक चेंज किया है। क्या किया सर आपने? आपने सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो था उस ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के यहां पर रख दिया है। और समझ में आया? हंस लो हंस लो, आपको बहुत हंसा सर, आप बहुत हंसाते, हमको मजा आता है आपके साथ। सुनिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आया? ऑक्सिलरी वर्ब पहले लाया, तो ये देखो बाकी सब जो है वो सेम। सब्जेक्ट यहां पर भी है, यहां पर भी है, नॉट यहां, यहां पर भी है। वो की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट यहां पर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये था पॉजिटिव सिंटेक्स से, यानी कि एसर्टिव से कहां गए हम, बोलो, ये टू टू फोर जब हम गए तो इस तरीके से चेंज करना पड़ा टू टू फोर। अब हम जाएंगे फोर टू थ्री। मैंने आपको बोला अभी, क्या हमने खाना खाया? ये सवाल है, क्या हमने खाना नहीं खाया? दोनों में क्या फर्क है? एक में नहीं है, दूसरे में नहीं नहीं है। क्या ओ, क्या मैं आपसे प्यार करती हूं? क्या सर, क्या प्यार करती हूं? माँ जान अपने बेटे से पूछती है, अपने बच्ची से पूछती है ना, अम्मी जान कहती है क्या मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? दोनों में फर्क क्या है? नहीं का फर्क है, एक में नॉट आया, एक में नॉट नहीं आया। कहने का मतलब ये जो है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव से हम जाएंगे किसमें? थर्ड में। यानी कि अब मैं आपको सिखाता हूं, फोर टू थ्री जाना, फोर टू थ्री जाना, फोर टू थ्री। देखो फोर टू थ्री, सेम फोर को चिपकाना है, नॉट को हटाना है। देखो कैसे, डूड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो देखो, फोर टू थ्री जब हम चले गए, फोर टू थ्री, जस्ट आपने क्या करना है, आपने नॉट को डिलीट कर देना। क्या करना है? नॉट को डिलीट कर देना। ध्यान सुनिए, जब हम फोर टू थ्री गए हैं, देखो डूडल्स अपनी जगह है, वेरी गुड, सब्जेक्ट अपनी जगह है, वेरी गुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बदला क्या? यहां पर देखो प्यारे बच्चों, यहां पर नॉट है लेकिन ऊपर नॉट नहीं आएगा, बस इतनी सी इसमें फर्क है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरे का पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आज हमने सीखा है कि पहला सिंटेक्स जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो जो होता है वी कॉल दैट एज अ बेस और रूट सिंटेक्स। उससे फिर हमें नेगेटिव में जाना है तो डूडस को लाना है। तो जनरली याद रखेंगे, डूडस जब भी आएगा, डूडस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिनका अब्बा है बी। ये जब भी डूडस आएगा, देख के ही बोलोगे सर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि डूडस बाकी किसी में नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में आएगा। समझ में आया? वेरी गुड। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट जो है नोट करने के लिए, नोट कर लीजिए, नोट ये है, डूडस जो है वो किसमें आता है? ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस में। किसमें? बोलो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है डूडस, डूडस। वेरी गुड, समझ में आया है? शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। डू और डस किसमें आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और यहां आपने सिर्फ एक और बात नोट करिए कि जो पहली फॉर्म है सिर्फ उसमें वर्ब की फॉर्म लगती है, बाकी किसी में नहीं लगती। देखो यहां पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंस। किसमें? सिंगुलर फॉर्म आती है। किसमें ओनली? सिंगुलर फॉर्म किसमें आती है? बोलो, ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में। उसमें वर्ब की फॉर्म लगती है, बाकी किसी में नहीं लगती है। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने की जरूरत है। एक तो डूडल आएगा और दूसरा सिंगुलर फॉर्म होती है ओनली पॉजिटिव में, वी फाइव फॉर्म, बाकी सभी में वी वन वी वन वी वन है। देखो इधर वी वन है, इधर वी वन है, इधर वी वन है, है ना, बाकी तीनों में वी वन वी वन वी वन है, सिर्फ पहले में वी फाइव है। क्लियर हो गया होगा यहां तक? अब जब हम आएंगे, हम वो आप पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहां कहां इस्तेमाल करना है। मजे से पढ़िए, वेरी गुड। इससे पहले हम ये सुनाएं ताकि आपको थोड़ी सी चटपटी शायरी भी सुना दे, ताकि आपका दिल पढ़ने में लग जाए। एक शायर ने क्या खूबसूरत लिखा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, वाह वाह वाह, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, अरे किसी को जमीन किसी को आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता,
कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा खुलूस, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस, जहां उम्मीद हो वहां, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। दोबारा सुनो, दोबारा, ये बच्चे हंसते हैं, कहते तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, कहते तमाम शहर में ऐसा नहीं कि खुलूस ना हो, फिर जहां उम्मीद हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो वहां उसकी नहीं मिलता। जहां आप कहीं उम्मीद लगा रहे हो पर आपको वहां कुछ नहीं मिलता है, किसी को मुकम्मल, जहां नहीं मिलता, अरे कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। क्या बात है, कमाल की शेर है ये, उम्मीद है आप ताजा हुए होंगे। एक शायर ने और लिखा है, कहां चिराग जलाए कहां गुलाब रखे। वाह वाह वाह, कहां चिराग जलाए कैंडल, कहां चिराग जलाए कहां गुलाब रखे। वाह वाह, कहां चिराग जलाए कहां गुलाब रखे, छुपते तो मिलती है लेकिन मकान नहीं मिलता। अरे वाह वाह, क्या बात है, शाबाश। आगे हम अब टेंसेस की जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के पढ़ेंगे, क्या इनके यूजेस पढ़ेंगे। ये शायरी आपको इसलिए सुनाई ताकि आप एंटरटेन हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस। चलिए आगे, मेरे प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नंबर वन, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूजेज हम पढ़ेंगे, इसके इसके यूजेज कहां कहां इसको हम राइट कर सकते हैं, वेयर वी कैन राइट, वेयर वी कैन राइट, अंग्रेज के बच्चों ऐसे बोल तो है, वेयर वी कैन राइट, कहां कहां हम इनको लिख सकते हैं, कहां नहीं लिख सकते हैं, हम आपको बताता है। सुनो, यूजेज नंबर वन, यूनिवर्सल ट्रूथ, पहला इसका यूजेज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का ये मतलब होता है ऐसा सच जो पूरी दुनिया मानती है, सिर्फ मैं और आप नहीं पूरी दुनिया मानती है, इसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसा कि सर एग्जांपल दीजिए, जैसा हम मानते हैं आप मानते हैं कि सूरज जो है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, ये ऐसा ट्रूथ है जो सभी मानते हैं। अंग्रेज का बच्चा बोलता है, क्या बोलता है, कहता है जब आपने ऐसा ट्रूथ देखा, इसको किस में रखना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो सिंटेक्स लगेगा वो पॉजिटिव का लगेगा, क्योंकि बात पॉजिटिव की होगी, उसका सिंटेक्स क्या होता है, वो आपकी पहली फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, सूरज कहां से चढ़ता है, मशरिक से चढ़ता है, यानी कि वो ईस्ट की तरफ, ईस्ट से तुलू होता है, तो हम क्या कहेंगे, सन, फिर आएगा राइजेस इन द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट, इन द ईस्ट नहीं, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ओके, सन राइजेस। सुनिए, सन क्या है, सब्जेक्ट है, बोलो, और राइजेस क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये जो रेस्ट वाला पार्ट है ये इसको ऑब्जेक्ट पार्ट माना जाएगा, बोलो, सब्जेक्ट प्लस ये आया ना, ये हमारे पास क्या बना, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब यहां पर मेरे दोस्तों सवाल ये होगा, सर आपने राइज क्यों नहीं लगाया, राइज की दूसरी फॉर्म क्या है, रोज, तीसरी क्या है, राइजन, चौथी क्या है, राइजिंग, पांचवी क्या है, राइजेस, सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये तीजी सीट थे, ये चौथी फॉर्म है, पांच फॉर्म है, तीजी सीट थे, सुन रहे हैं आप, हंस लो हंस लो, ये राइज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर हमने साथ ही बोला था ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है प्लूरल फॉर्म, क्या होती है, बोलो बोलो बोलो, प्लूरल फॉर्म होती है।
तो ये जो प्लूरल फॉर्म है ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, और ये जो लास्ट वाली है इसे हम कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म। और अंग्रेज का बच्चा बोलता है कि जो सन है, सन जो है ये सिंगुलर है ना, ये सिंगल है बेचारा, तो इस सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए आया सन के साथ राइजेस, राइज नहीं आया। बोलो समझ में आया है? वेरी गुड। सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हमने आपको एक जनरल एग्जाम्पल दी है। आइए दूसरी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल, दूसरी इसका एग्जाम्पल है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है एक, जैसे फैक्ट किसे कहते हैं पहले सुन लो, एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो कंक्लूजन निकल कर आएगा जिसे सभी एक्सेप्ट करेंगे बल्कि करना पड़े, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक फैक्ट। मिसाल के तौर पर पानी को आपने उबाला उबाला उबाला, कितने डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड पे ये उबलता है, ये एक्सपेरिमेंट्स के साथ एस्टेब्लिश किया है। कोई बोलेगा मैं नहीं मानूंगा, क्या क्या करेंगे भाई, नहीं मानेगा तो ना माने ना, अंग्रेज ने तो लिख दिया है। तो क्या बोला? वाटर जो है वो, वाटर जो है किसमें बॉइल होता है? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो वाटर आया, दोबारा सब्जेक्ट है, फिर बॉइल इज क्या है? वर्ब की टेंस फॉर्म। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखो कौन सा टेंस बना है? बनाना प्रेजेंट सिंपल टेंस, बोलो प्रेजेंट सिंपल टेंस बन गया। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे आप जो है वो साइंटिफिक फैक्ट लिखिए या आप यूनिवर्सल ट्रूथ लिखिए, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जरूर लाना है। उम्मीद है यहां तक आपको सारे का सारा समझ में आ गया है। इसके बाद इसका थर्ड रूल है, मजा आ रहा है ना? इसके बाद थर्ड रूल क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपके कानों के पास रखता हूं, आप सुन तो लीजिए ना सर, सुनिए तो सही ना, प्लीज सुनिए ना, लिख लीजिए। मैं कहता हूं डेली हैबिट्स, यहां बोलेंगे हम रूटीन वर्क, रोजमर्रा के काम। डेली हैबिट्स या रूटीन वर्क, इसके लिए भी जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? मिसाल के तौर पर डेली हैबिट्स पर रूटीन वर्क का मतलब क्या होता है? डेली हैबिट में आप समझिए हम क्या शायरी सुन लेंगे। मैंने कहा दोस्तों हम और आप सुबह सवेरे उठते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, किसी किसी की आदत है शाम को बेड टी लेने की, है ना, किसी की आदत होती है कि शाम को उबला हुआ दूध लेना गिलास से, किसी की आदत है सुबह सुबह उठ के हनी शहद, है ना। तो ये अपनी अपनी आदतें हैं। आदत का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जिसको आप रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। वेरी गुड। अब आदतों में भी बहुत फर्क है, एक होता है गुड हैबिट, बैड हैबिट, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज कंपल्सिव हैबिट। आगे बढ़ लेंगे, अभी बस हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो ना, साथ में घंटी का बटन दबा दो, इतनी वास्ट नॉलेज और कहां मिलेगी, यही तो वो प्लेटफॉर्म है जहां से मिलनी है। सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन दबा दो, नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दो, जब भी मेरा बूथा आएगा तो सबसे पहले आप ही को पता चलेगा कि सर आ गए, प्रकट हुए, आप देख लो। डेली हैबिट, डेली हैबिट का मतलब क्या होता है? नंबर वन, आई wake up, I wake up at 6 o'clock in the morning. ठीक है मेरे बच्चों, I wake up at 6 o'clock in the morning. What is this? This is daily habit. I wake up. अब देखो मैंने क्या लिखा? I क्या बना? Subject. Wake क्या है? वो अब की first form है, तो क्या बना? बोलो बोलो बना ना, ये बना प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आप जस्ट इतना फॉर्मेट देखिए ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म,
तो समझ लो प्रेजेंट सिंपल आ गया। सबजेक्ट के बाद वर्ब की यूज फॉर्म, समझ लो प्रेजेंट सिंपल आ गया, बात खत्म। सर इसकी दूसरी एग्जांपल देंगे आप? बिल्कुल दे लेते हैं। आई गो टू जॉब सर, अंग्रेज की तरह बोलते हैं तो आई गो टू जॉब सर। अब देखो ये आपको रूटीन काम है, आप रोज पढ़ने आते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, आप एक दिन आएंगे दूसरे दिन नहीं आएंगे, ऐसे चलेगा क्या? आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब का, यूट्यूब पे टेंसेस का पहला देखोगे तो दिल आपको जरूर बोलेगा, दूसरा भी देखेंगे, दूसरा देखा तो तीसरा जरूर बोलोगे। इसका मतलब है जो चीज आप रोज 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 करोगे उसे हम रूटीन वर्क कहते हैं, रूटीन वर्क है आप रोज पढ़ने आते हैं। आई गो टू जॉब सड़ा, बोलो टेंस कौन सा बना है, बोलो प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ में आ रही बात है? मैं पूरा डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूं, डिटेल से, ताकि आपने लाइफ में इतना डिटेल से कहीं नहीं पढ़ा हो। इसके बाद हैबिट्स भी हो गया ना, हैबिट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अच्छा इसमें जो है ना, मैं आपको बाद में कुछ कीवर्ड्स लिखवा लेता हूं, जिन कीवर्ड्स को देख के आप इजीली बोल सकते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बात समझ में आ रही ना? इसमें आपको हम इजीली बताएंगे वो कौन से कीवर्ड्स है जिनसे देखकर ही आपको लगेगा कि सर ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। चलिए मैं लिखवा लेता, क्या करें आप भी क्या लाइफ में याद रखें, लिख लो मेरे दोस्तों। इसको मिटा देते, लिख लीजिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के ओ के कीवर्ड्स। सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या उर्दू और हिंदी पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, हम अंग्रेज के बच्चे को बोलना चाहते हैं कि भाई हम आपकी अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ाना, ये कौन सा हुनर है? हम अंग्रेजी को देसी में पढ़ाएंगे और उससे बेहतर बोलेंगे, क्या बात है। चलिए मैं आपको कीवर्ड्स लिखवा लेता हूं, लिखेंगे ना डोरेमोन, लिख लो। कीवर्ड पहला है, ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनसे आपको देखकर ही दूर से पता चलेगा ये प्रेजेंट सिंपल है। मान लो एग्जांपल इवरी डे, अगर आपने ये देखा कहीं पे लिखा हुआ तो समझेंगे क्या है, बोलो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एक का आया इवरी डे, दूसरे का आएगा इवरी मंथ, एवरी वीक, year, every day, month, week, year, अगर मान लीजिए ऐसा आया, मतलब every उसके साथ है, every इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ये जो बता रहा ना, ये action की regularity बता रहा है, repeat, repetition बता रहा है, तो repetition अगर है तो present simple tense है, क्या? Repetition. मतलब लगाता। अरे यार आपको तो सर ने तो पहले ही पढ़ा दिया था, पीछे तो देखो, क्या बताया था? सिंपल। ये नाम ही खुद है सिंपल, एक सिंपल को बोलते हैं स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन में सर ने बताया था सिंपल तब होता है जब कोई काम लगातार हो जाए, रोज रोज हो जाए। आप कहोगे मैं रोज चार चपातियां खाता हूं, जिसके बाद में ता आएगा, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। खाता हूं, खाते हैं, खाती है, समझ आ रहा? ये जो ताती ते है ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। मतलब आप कहोगे ही ईट्स फोर चपातीस, ईट्स फोर चपातीस डेली। समझ में आ रही है? ये जो डेली का वर्ड आया ना, ये भी क्या है, बोलो? ये भी आपका कीवर्ड है, याद रहेगा, शाबाश। चाहे आप एवरी डे, एवरी मंथ और एवरी वीक और एवरी ईयर और डे लिखोगे तो ये आपका बनेगा कीवर्ड। इसके बाद एक और है, ऑलवेज है, ऑलवेज है, नेवर है, Sometimes है, ये सी कीवर्ड है, लिख लीजिए। और एक होता है frequently,
often. ठीक है, ये आपने keywords मेरे दोस्तों याद रखने, प्यारे प्यारे बच्चों याद रहेंगे ना, शाबाश, ये keywords आपने याद रखने. पहला कीवर्ड कौन सा बोलो? पहला कीवर्ड एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, डेली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, डेली और ऑफन. ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं. अगर आपने ये चीजें देखी हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस जरूर है. ये क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, शाबाश. अब इसके फर्दर रूल्स और पढ़ेंगे, मुझे लगता है आपको कमाल का मजा आ रहा है. जरा बताइए पहला रूल क्या है? यूनिवर्सल ट्रू. सेकंड क्या है? साइंटिफिक फैक्ट. तीसरा क्या है? डेली हैबिट के लिए हम लगाते हैं और रूटीन वर्क के लिए. अब चौथा रूल है फॉर रिपीटेड एक्शंस. चौथा रूल क्या होगा बोलो? फोर्थ यूसेज. यूसेज पढ़ रहे हैं किसका हम बोलो? हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस का. इसका पहले यूज़ बताया हमने, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, और अब फोर्थ आ रहा है. फोर्थ में क्या कर रहा है? रिपीटेड एक्शंस स्लैश इवेंट्स, उनके लिए भी हम क्या लगाते हैं बोलो? प्रेजेंट सिंपल टेंस. रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स. एग्जाम्पल, It rains every afternoon in the hot season. देखो, this is a repeated action. It rains every afternoon in the hot season. This we call as repeated action. हमने ये कहा कि भाई बारिशें हर दोपहर को होती है जब गर्मियों का मौसम होता है. इट्स एन एग्जांपल फॉर यू. बात समझ आ रही है? दिस इज रिपीटेड एक्शन. इट रेन्स, देखो एवरी आया ना, एवरी आ का क्या मतलब है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, रिपीटेड एक्शन है. इसके बाद दूसरी एग्जांपल भी अगर लिखना चाहे तो लिख लो. दूसरी एग्जांपल है, आप मान लीजिए, मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूं. जब आप जो है ना, वो घर से आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो प्रॉपर टाइम होता है बस की. बस एक प्रॉपर टाइम पे आती है, मॉर्निंग में आती है, दोपहर को नहीं मिलेगी, शाम को नहीं. तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वी कैच आवर कॉलेज बस इन द मॉर्निंग. ये आपकी डेली जो है ना, आप रिपीटेड एक्शन है. वी कैच अवर कॉलेज बस इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग भी लिख सकते हैं. इसका ये मतलब ही होता है कि इट इज रिपीटेड. या अगर आप यूं भी लिख सकते हैं, वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग. ऐसे भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द वे यू राइट डाउन. ठीक है, क्योंकि आप सभी ग्रेजुएशन किए हुए हैं. कोरोना पास नहीं ना है, आपने अपने दम से ग्रेजुएशन पास किया ना. शाबाश, हंस लो हंस लो. ये चौथा रूल हो गया. ओके, अब इसका फिफ्थ रूल है. अब बोलिए, चौथा रूल भी हो गया, ठीक हो गया. अब पांचवा रूल हम बताएंगे आपको. फर्स्ट रूल क्या था? साइंटिफिक यूनिवर्सल ट्रूथ. सेकंड क्या है? साइंटिफिक फैक्ट. थर्ड क्या है? डेली हैबिट्स और रूटीन एक्शन. चौथा हमने कहा रिपीटेड इवेंट्स और एक्शंस. फिफ्थ रूल जो है वो ये है कि फ्यूचर एक्शंस के लिए.
ओहो सर, ये तो कमाल का रूल आपने बताया, पहली बार लाइफ में सुन रहे हैं। क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस फ्यूचर एक्शन के लिए लगता है? हाँ लगता है ना। कैसे लगता है सर? ये तो पहले पढ़ा ही नहीं कभी, आप तो गलत पढ़ाते हैं। मैं गलत पढ़ाता हूँ? देख लो, फ्यूचर एक्शन मैं कहूंगा आई। ओके हम कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखता है। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। देखो एक तो ये जुमला है, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, सही है ना? आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, ये हमको पता है, ये जनरली ये फ्यूचर एक्शन, बोलो है ना? ये फ्यूचर एक्शन, इसका इस एक्शन का हमारे पास टाइम फिक्स नहीं, ये मालूम नहीं है कि फ्यूचर में कब हम अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपके पास फ्यूचर एक्शन है एंड टाइम इज नॉट मेंशन, फ्यूचर एक्शन है लेकिन टाइम गिवन नहीं है, तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, अगर फ्यूचर एक्शन है टाइम मेंशन नहीं है, क्या बोलो? टाइम मेंशन नहीं है तो आप जो है आप फ्यूचर सिंपल टेंस ही लगा लीजिएगा, आप फ्यूचर टेंस ही राइट करना है। क्या करना है? राइट, ये सही है। अगर आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे है लेकिन बर्थडे की डेट नहीं मालूम है कब बर्थडे मनाएंगे, तब फ्यूचर टेंस ही लगाना चाहिए। मैं जो जुमला कह रहा हूं वो ध्यान सुनिएगा, आप लेकिन बर्थडे को मनाते हैं अपनी डेट पर, ऐसा है ना? आप बर्थडे को मनाते हैं जब डेट आती है, ऐसा नहीं ना कि एक साल एक दिन मनाया, दूसरे दिन दूसरे साल मनाया, तीसरे दिन तीसरे डेट पर मनाया, ऐसा तो नहीं होता है। आप जब बर्थडे मनाते हैं तो एग्जैक्ट उसी डेट मनाते हैं जिस डेट पर आप पैदा हुए हैं। मान लीजिए मैं कहूंगा I will celebrate my birthday on 14th of September. ये मैं example दे रहा। I will celebrate my birthday on 14th of September. सही है दोस्तों? अब देखो ये जो future action आया ना, ये future action तो है लेकिन इस future action के plus क्या है? एक date आई। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक होता है फ्यूचर एक्शन जिसमें टाइम मेंशन नहीं हो, वहां पर हम फ्यूचर टेंस ही लगा लेते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जहां पर फ्यूचर एक्शन के साथ डेट लगा होता है। अंग्रेज का बच्चा कहता है, ये जो दूसरी लाइन आपने लिखी है ना, फ्यूचर एक्शन प्लस डेट, बोला तो ये सारा जो आपने लिखा है ये गलत है, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। बोलो क्या है बच्चों? ग्रामेटिकली ये सारा सेंटेंस क्या है? करेक्ट नहीं है, ये है इनकरेक्ट, यानी कि ये गलत। बात समझ में आ रही है? इट इज इनकरेक्ट। मैं आपसे पूछता हूं ये इनकरेक्ट कैसे हुआ? सर इनकरेक्ट इसलिए हुआ, आपने एक्सप्लेन करा कि अगर हम जो है फ्यूचर एक्शन के साथ टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो फ्यूचर टेंस लगेगा, लेकिन जब आप फ्यूचर एक्शन करेंगे लेकिन टाइम भी साथ लगाएंगे तो फ्यूचर टेंस कभी भी नहीं लगेगा। इसका मतलब है यहां पर फ्यूचर एक्शन के साथ क्या आया था? बोलो बोलो क्या आया था? ये देखो एक फ्यूचर एक्शन के साथ यहां पे क्या आया था? देखो यहां पे डेट आया था, जब डेट आएगा तो यहां पे विल नहीं आया। फिर क्या करेंगे? अगर फ्यूचर एक्शन के साथ डेट आएगा तो अंग्रेज का बच्चा बोलता है आपको लगाना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहां पे लिख लूंगा, ये आपको पूरा समझ में आया होगा। फ्यूचर एक्शन विद डेट, फ्यूचर एक्शन के साथ डेट आएगा तब लगाएंगे क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस। मान लीजिए मुझे लिखना है आई, अगर मैं लिखूंगा आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 14th से गलत होगा, मुझे लिखना है आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 14th ऑफ सेप्टेम्बर। कहीं रुको बच्चों, ये प्रॉपर ग्रामर है। अब देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट।
वर्ब क्या आया, फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ये जो बचा है ये ऑब्जेक्ट पार्ट होगा, तो ये हमारे पास बन के आया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगता है जब हम बात करेंगे इसकी फ्यूचर एक्शन विद परफेक्ट डेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू। सही है यहां तक? शाबाश मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। इसके बाद का सिक्स रूल है, इसका सिक्स रूल ये है, जैसे मान लीजिए इसमें एक और अगर एग्जांपल आप ऐड कर लेंगे, इसके एग्जांपल नंबर दो दूसरी भी हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीरियल बन रहा है, एक ड्रामा बन रहा है, एक मूवी होती है, और मूवीज को अपने टाइम पे उसको रिलीज किया जाता है ना, आपको पता ही होगा। तो प्रॉपर टाइम पे जब रिलीज करते हैं, या आपने शादी करी, शादी में आपने वीडियो वगैरह बना ली, अपनी अपनी वीडियो शूट करा, फोटो शूट करा, उसके बाद आपने अपने दोस्तों से कहा इस डेट पे इसको हम रिलीज कर लेंगे, राइट? तो आप जो वो डेट पर रिलीज करेंगे, एग्जैक्ट डेट होगा, तो आप कहोगे दिस वीडियो रिलीजेस ऑन दिस डेट। असल में आ रही है, रिलीजेस आएगा, क्योंकि वीडियो है नेम एक एंटिटी का। जब आपके पास आई वी होगा तो इट इज फर्स्ट पर्सन, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ही शी इट दे और किसी भी चीज का नाम होगा तो आपको लगेगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे हमने लिखा सन, सन इज द नेम, नेम के साथ क्या लगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, राइजेस, वाटर बॉइल्स, वीडियो रिलीजेस, मूवी रिलीजेस। समझ में आ रही है? आई सेलिब्रेट, ही सेलिब्रेट्स, पूरा सर ने आपको समझाया है। तो आप लिखोगे द मूवी रिलीजेस ऑन, कोई सा डेट बोल दो आप, कोई डेट बोल लीजिए, 27th of March 2022, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? द मूवी रिलीज ऑन दिस, आप देखो ना यहां पे मूवी है आपकी, शादी की मूवी है, ठीक है? शादी, शादी की मूवी आपने बनाई है, तो आप उसको अपने फ्रेंड्स में रिलीज करोगे, फ्रेंड्स को दिखाओगे, अपने घर वालों को खुश करोगे। द शादी मूवी रिलीज ऑन दिस डेट, हंस लो, हाँ ठीक है ना? यहाँ पे क्या आया, द मूवी, मूवी के बाद आया रिलीजेस, तो सबमिट के बाद वर्ब की फॉर्म ऑब्जेक्ट आया, तो क्या बना आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस बना। ओके, अब इसका सिक्स रूल जो है वो सुन लीजिए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आता है न्यूज, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। दोस्तों न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है, एक होती है खबर, खबर का प्लूरल होता है खबरें, उसका प्लूरल जमाउल जमा होता है अखबार, अखबार मतलब जिसमें मल्टीपल न्यूज। ओके, तो न्यूज पेपर में जो आप बोल्ड बोल्ड लेटर से देखते हैं, लेटर कॉल्ड एज हेडलाइंस, जो दे सब हेडलाइंस, सुर्खियां, शह सुर्खियां, टॉप हेडलाइंस, खैर हेडलाइंस की बात हो तो न्यूज पेपर की हेडलाइंस में क्या आता है बोलो, न्यूज पेपर की हेडलाइंस में आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप सर हमें एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए न्यूज पेपर हेडलाइंस में। हाँ एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल देंगे हम, बोलेंगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अनाउंसेस रिजल्ट्स ऑफ क्लास 10th and 12th। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां बनाया है, मैंने कहा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अनाउंसेस रिजल्ट्स ऑफ क्लास 10th and 12th। ये है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने क्या करा, announces results of class 10th and 12th. अब देखो यहाँ पे boss क्या है, ये name है organization का, उसके बाद announces क्या है, ये verb की form है, बाकी object पार्ट आया, तो क्या बनाइए present simple tense। आपने इस तरीके की news बहुत बार देखी होगी, क्या देखा होगा, service selection board declares results of class 4th aspirants, ये जो भी newspaper की headlines होती है, इनमें आपके पास present simple tense आता है। समझ में आया दोस्तों? Very good.
आज के लेक्चर को हम दोस्तों यहीं पे इख्तिताम करते हैं, कंप्लीट करते हैं इस शेर व शायरी के साथ। आगाज में भी शायरी, एंड में भी शायरी और बीच में भी शायरी है, ताकि आपका ये पूरा एक घंटा इतना एंटरटेनिंग आपका गुजर जाएगा। आप कहेंगे सर और पढ़ने का जी जाता है, शायर लिखता है अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। वाह वाह, कमाल के अशआर लिखे हैं। और प्यारे दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इस उम्मीद के साथ आपको पूरा लेक्चर एंटरटेनिंग लगा होगा। क्वालिटी एडुकेशन देने की हमने बड़ी कोशिश करी है। आई नेवर क्लेम आई टीच द बेस्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू टीच द बेस्ट। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पेरेंट्स की खूब खिदमत कीजिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू ऑल एंड मे यू शाइन, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।